Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dawar Zahid and in this video we'll be going over bacteriophages, their structure, their functions and their life cycle. Okay, this is really important, you know, as all of you are aspiring healthcare professionals, because this is something that is being utilized in a lot of, you know, cutting edge and a lot of like really really innovative approaches to medicine and also to genetic technology. ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत important है, and also it's pretty important for your exams as well. ठीक है, अच्छा, so let's get started with a brief introduction. Bacteriophages होते क्या हैं? ठीक है, these are essentially क्या कहते हैं हम इनको, these are essentially viruses which are going to be affecting bacteria. ठीक है, ओके, सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ पॉइंट ऑफ एन एनिमेशन. ठीक है, सो गाइज प्लीज देयर इज अ लिंक दैट आई हैव अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वॉच दैट एनिमेशन. आई वॉन्टेड टू एड दैट एनिमेशन इन माई वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर कॉपी राइट था, सो आई कुडंट एड इट इन माई वीडियो, बट इफ यू वॉच दैट वीडियो, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल मेक सेंस. एंड आई फाउंड दिस एनिमेशन, इट जस्ट एन एनिमेशन, इज नॉट वेरी लॉन्ग. ठीक है, इट्स लेस देन अ मिनट. ठीक है, लेकिन आई फाउंड दिस एनिमेशन लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई फाउंडेशन मॉड्यूल ऑफ माई फर्स्ट ईयर. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इतने ज़्यादा मेरे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए थे. ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. एंड नाउ लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट इसका स्ट्रक्चर, इट्स प्रीटी सिंपल. ऑल राइट, ओके गाइज, सो सबसे पहले हमारे पास, आई वॉन्ट यू गाइज टू नोटिस, आई जस्ट राइट अ कपल ऑफ पॉइंट्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, पहली बात ये तो इसकी जो एक डिस्टिंक्ट शेप है, प्लीज नोटिस दिस, इट डज नॉट लुक लाइक अदर वायरसेस. ठीक है, बाकी वायरसेस कैसे थे, इस तरह के थे कुछ. ठीक है, और यू नो जनरली आई हैवन ड्रॉन आउट द अदर वायरसेज येट. ठीक है, लेकिन this bacteriophage, it has a very distinct shape. In certain books of yours, in certain FSC books, it has been mentioned as a tadpole shaped virus. ठीक है, तो अगर कभी आप देखो exam में question stem is saying कि it's a tadpole shaped virus, तो it's always going to be a bacteriophage. ठीक है, all right, okay. The second thing that I want you guys to notice is कि हमारे पास ये देखिए एक capsid का हेड बना हुआ है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और वो क्या है, वो DNA बेस्ड है. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल राइट इट ओवर हियर. इट इज़ गोइंग टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. ठीक है, और हम आगे जाके देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कि वी एसेंशियली जो कि DNA है, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी इस चीज़ की, मैंने आई वाज टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. ठीक है, कि हमारे बस हो ये रहा होता है कि वी असेंशली एज अ फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, वी से कि ओके दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA, दिस इज पॉजिटिव सेंस, दिस इज नेगेटिव सेंस. तो हम उसके जीनोम पे और हम उसके मोड ऑफ रेप्लिकेशन पे वी यूज इट एज अ फॉर्म ऑफ क्लासिफाइंग बैक्टीरिया. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो अगर वो आपसे कभी पूछें कि हाउ इज बैक्टीरियोफेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जीनोम एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जीनोम, सो इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस. ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, सो अब थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड कर लो. ठीक है, एनिमेशन देख ली हुई है, अब वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं. आई वुड वांट यू गाइस टू पॉज द वीडियो एंड लुक एट दिस वंस, ठीक है, ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ इट. ठीक है, एंड नाउ लिसन टू व्हाट आई हैव टू से. ओके, सो गाइस देखो, तीन पोर्शन है हमारे पास. ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं हेड, इस छोटे से पोर्शन को कुछ किताबों में नेक कहते हैं और कुछ किताबों में कॉलर कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे कॉलर लिखा हुआ है उन्होंने, तो दिस इज नेक और दिस इज कॉलर. ऑलराइट, एंड दिस इंटायर रीजन, ठीक है, सम बुक्स आल्सो इंक्लूड दिस पार्ट. ठीक है, जो नीचे हमारे टेल फाइबर्स वाले पार्ट आ गए, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर टेल रीजन. ओके, सो हाउ मेनी रीजन्स डू वी हैव, वी हैव थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स. ओके, सो फॉर योर एमडी कैट, अगेन आप सबको पता है कि वो इस तरह के रिट्टे वाली चीज़ें बहुत पूछते हैं, तो इफ दे आस्क यू कि कितने डिवीजन्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी थ्री वेरी क्लियर डिवीजन्स, थ्री डिवीजन्स. ऑलराइट, ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. अच्छा, इसके बाद दो तीन मैंने रट्टा बेस चीज़ों की आपसे बात करनी है. जो बेस प्लेट होती है ना, इसके ऊपर वी आर गोइंग टू बी हैविंग सिक्स टेल फाइबर्स. ठीक है, सो वी हैव सिक्स, जस्ट अ सेकंड, सिक्स टेल फाइबर्स. ओके गाइज, एज यू कैन सी, वन टू थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स. ठीक है, तो ये सिक्स टेल फाइबर्स हमारे पास, ये देख रहे हो टेल फाइबर्स जो निकले हुए, ये कितने, ये हमारे पास सिक्स होते हैं. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट. ओके, और ये जो टेल फाइबर्स हैं, इनके साथ साथ हमारे पास ये जो स्पाइक्स हैं, इनको वी कैन ऑल्सो कॉल देम टेल पिन्स एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, दीज आर एसेंशियली गोइंग टू बी हेल्पिंग अस इन अडहेयरिंग टू द एंड ऑल्सो इन पेनिट्रेटिंग
टू पेनिट्रेटिंग अ बैक्टीरिया. एसेंशियली हो क्या रहा है हमारे पास कि हमारे पास इफ़ आई क्विकली ड्रॉ इट आउट फॉर यू, वी हैव दिस बैक्टीरिया एंड वी हैव, लेट्स जस्ट लुक एट दिस. देखो ये इसका हेड है, ठीक है, इट्स आइकोसहेड्रल बट आई एम जस्ट मेकिंग इट सर्कुलर. एंड देन वी हैव, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज ब्यूटिफुल एज आई कैन. एंड देन वी हैव दिस एंड देन वी हैव दिस स्पाइडर लेग्स. ऑलराइट, सो गाइस व्हाट हैपेंस इज इट्स एक्चुअली रियली स्मॉल कंपेयर टू द बैक्टीरिया. तो ये हमारे पास आए हैं वायरस, यहाँ पे अटैच हुआ है. जैसे ही इट हैज़ अटैच्ड, दिस रीजन इज हेल्पिंग अस एडहेयर टू द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया. ऑलराइट, एंड देन वॉट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये चीज़ अपने एसेंशली नीचे जाएगी एंड सॉर्ट ऑफ हाउ एन इंजेक्शन वर्क्स. ठीक है, कि इंजेक्शन जिस तरह काम करते हैं ना, दिस वुड बी योर क्या कहते हैं सिरिंज एंड दिस वुड बी द सिलेंडर ऑफ इट. ठीक है, और वो ये सारा डीएनए अपने उसके अंदर पंप कर देगा. ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर पंप कर देगा लिटरली. तो दैट इज वॉट इज हैपनिंग. ओके गाइज, आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू. कि अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि इज द बैक्टीरियोफेज इटसेल्फ, इज द बैक्टीरियोफेज इटसेल्फ एंटरिंग द बैक्टीरियल सेल और नॉट, वो इटसेल्फ जा रहा है, वो खुद इस सेल के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा, द आंसर इज नो. इट्स गोइंग टू बी डिलीवरिंग द जेनेटिक मटीरियल इन द सेम वे हाउ व्हेन आई गिव यू लेट्स से एन आई वी इंजेक्शन. ठीक है, आई वी नहीं, चलो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मैं आपको देता हूँ. ठीक है, कि आई गिव यू एन इंजेक्शन, सो नाउ दैट इंजेक्शन इज नॉट गोइंग इन साइड यू. मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैंने लेट्स से दावर जाहिद को इंजेक्शन लगाया, दावर की बॉडी के अंदर जी प्लास्टर का पूरा इंजेक्शन चला गया. ठीक है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. द इंजेक्शन स्टेज आउटसाइड, बट द इंजेक्शन, इंजेक्शन की एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करो. ये सिरिंज है, ये अंदर जाती है. ठीक है, सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी पियर्सिंग इन साइड दिस मेम्ब्रेन एंड दिस इज, जैसे हमारे पास सिरिंज थी. ठीक है, तो ये सिरिंज की नीडल है और ये हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर हम लोगों ने दवाई को डाला होता है. ठीक है, और इन दिस केस ऑब्वियसली इट्स नॉट दवाई, इट्स न्यूक्लियर डीएनए. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, और वो हमारे पास सेल के अंदर चले जाते हैं और बैक्टीरियोफेज बाहर ही रहता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तो बैक्टीरियोफेज इटसेल्फ विल नॉट बी एंट्रिंग, विल नॉट बी एंट्रिंग. ओके, सो एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो फॉर माय साइंस रीजन साइंस कोर्स, ठीक है, आई वुड वांट यू गाइस टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन क्रिएटेड इसी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट के मुतालिक जो कि आपको बहुत तंग करेगा अगर आपने इस चीज़ को भी नहीं समझा. सो प्लीज़ मेक श्योर यू गो बैक एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. ओके गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लाइफ साइकिल. Alright guys, so talking about the life cycle of bacteriophage, this is really high yield and really important to understand. It's not as simple as other viruses, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों ने ना कोशिश करके अंडरस्टैंड करना है. Alright, so इन्फेक्शन प्रोसेस की हम लोगों ने बात कर ली कि ये आया, इसने ऊपर इंजेक्शन की तरह अपना सारा डीएनए इसके अंदर डाल दिया सेल के अंदर. ठीक है, ओके गाइज, सो नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन. बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट लाइफ साइकिल्स. ठीक है, दो डिफरेंट हमारे पास लाइफ साइकिल्स होते हैं. एक हमारे पास होता है लाइटिक साइकिल. ठीक है, और लाइटिक साइकिल को हम लोग कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी योर वेरी टिपिकल मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. ठीक है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप. ओके, सो द मास्टर इज गोइंग टू बी द वायरस एंड द स्लेव इज गोइंग टू बी द बैक्टीरिया जो कि इसने इन्वेट कर लिया वायरस ने. ठीक है, अच्छा लाइटिक साइकिल हो गया. और फिर अगली बात हमारे पास आती है लाइजोजीनिक साइकिल. ठीक है, सो लाइटिक साइकिल एंड लाइजोजीनिक साइकिल. लाइक लाइजोजीनिक साइकिल के अंदर ना, इट बेसिकली हैज़ अ हमारा जो इट्स सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कम्पेयर टू अदर वायरसेस, लेकिन इट्स गेस्ट स्लैश होस्ट रिलेशनशिप. ठीक है, और इसको हम लोग डॉर्मेंट भी कहते हैं. ठीक है, आई राइट दैट एज वेल, रिलेशनशिप को छोड़ो. ओके, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज़ को. ऊपर वाले को हम कहते हैं कि ये एक्टिव इन्फेक्शन हुई भी है, नीचे वाले को हम कहते हैं कि जी दिस इज डॉर्मेंट. ऑलराइट, अगेन सॉर्ट ऑफ अ लेमैन वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग इट, बट दैट्स हाउ इट इज इन योर बुक, सो वॉन्टेड टू जस्ट मैंशन इट. ओके गाइज, अब मेरी बात सुनो. बेसिकली मेरे पास हुआ क्या, आई जस्ट एक्सप्लेन इट ऊपर ऊपर से पहले एंड देन आई गो इन टू मोर डिटेल. ठीक है, हमारे पास हुआ क्या रहा है कि आई हैव दिस बैक्टीरियल सेल, लेट्स यूज अ कलर दैट एक्चुअली लुक्स लाइक अ बैक्टीरियल सेल. लेट्स से ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है. ठीक है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू बी ड्रॉइंग आउट द एंटायर बैक्टीरियोफेज, बट लेट्स से
कि यहाँ पे मेरे पास बैक्टीरियोफेज आ गया, ठीक है. इट एक्चुअली डजंट लुक लाइक दिस, इट लुक्स लाइक अ टैडपोल. ओके, सो इसने हमारे पास अपना डीएनए अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है. अब आइदर इट कैन गो इनटू अ लाइटिक साइकिल. लाइटिक साइकिल में क्या है कि इमीडिएटली इट हैज़ अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, वी विल टॉक अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है. और इट कैन गो इनटू अ लाइसोजेनिक साइकिल. ऑलराइट, ओके. अब एक छोटी सी बात है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है. प्लीज़ गाइज, इस पूरी वीडियो में एक छोटी सी चीज़ अगर ये आप अंडरस्टैंड कर लो, ट्रस्ट मी आई कांट एक्सप्लेन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज लाइटिक साइकिल से ना वी कैन हैव अ ट्रांजिशन इनटू अ लाइसोजेनिक साइकिल. दिस इज वेरी रेयर, ठीक है. लाइसोजेनिक साइकिल, दिस इज वेरी रेयर. क्या मतलब है कि बेसिकली हमारे पास एक बैक्टीरिया को एक्टिव इन्फेक्शन हुई थी एंड देन फॉर सम रीज़न From an active infection, तो पहले उसको एक्टिव इन्फेक्शन हुई थी, ड्यू टू सम रीज़न इट वेंट इन टू अ डॉर्मेंट स्टेट. दिस इज वेरी रेयर. वाई इज़ इट वेरी रेयर? बिकॉज बिफोर दिस ट्रांजिशन कैन हैपन, बिफोर इट कैन हैपन जो बैक्टीरिया होता है इट डाइज, ठीक है. बैक्टीरिया इज किल्ड. अब वो कैसे होता है कि वील टॉक अबाउट इट. बैक्टीरिया इज किल्ड. ऑल राइट, ओके. सो ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई. सेकेंड चीज़ हमारे पास ये आई कि वी कैन हैव लाइसोजेनिक साइकिल से उसने शिफ्ट मार दिया इनटू लाइटिक साइकिल. ऑलराइट, विच मीन्स कि इट वाज जस्ट लेइंग डॉर्मेंट, ठीक है, कि वो आराम से बैठा हुआ था, तंग नहीं कर रहा था, बट देन बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड वील टॉक अबाउट देम, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, वो एक्टिव हो गया. एंड दिस इज कॉमन. ऑलराइट, दिस कॉमनली हैपन्स क्योंकि बैक्टीरिया ऑब्वियसली अभी जो वायरस है उसने यहाँ पर बैक्टीरिया भी अटैक स्टार्ट ही नहीं किया. द वायरस इज नॉट अटैकिंग द बैक्टीरिया, इट जस्ट हैज़ अ गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप. ऑलराइट, प्रीटी सिंपल. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट इज कि ये हमारे फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि एक बैक्टीरिया को लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है. वर्क इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस, वी डोंट रियली नो, लेकिन फॉर नाउ देयर आर सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल हीट, ठीक है, एंड देन देर आर सर्टन केमिकल्स. और उसके साथ साथ हमारे पास, सो वी टॉक अबाउट एनवायरमेंट, वी टॉक अबाउट केमिकल्स, एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक जीन्स. इफ दीज स्पेसिफिक जीन्स आर एक्सप्रेस्ड विद इन द बैक्टीरिया, इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ, ठीक है, इंक्रीज चांसेस ऑफ conversion into lytic cycle. Okay, lytic cycle. All right guys, ये हम लोगों ने एक अच्छा सा काफ़ी डिटेल्ड ओवरव्यू कर लिया. नाउ आगे वाली चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होंगी अंडरस्टैंड करना, एंड लेट्स जस्ट गेट इंटू इट. बट बिफोर दैट, मैंने इस चीज़ को कैसे याद किया था, यू सी lysogenic, there's a G. That G stands for guest host relationship, all right? So lysogenic, you could remember it like this, you could remember it ke lysogenic ke under the virus is being gentle, and G for gentle, G for lysogenic, theek hai, pretty simple. Is tarah isko yaad karne ki koshish kijiye. Now let's move on. All right guys, so lytic cycle ki agar hum log baat kare hamare paas, theek hai, so what is really happening over here is ke again this is, if you want me to write a definition of it, it's going to be ki this is a replicative state ya life state bhi se keh sakte hain, in which presence of virus results in death of the bacteria. Okay, so that is what is happening. Pretty simple, right? This hum logon ne pehle baat ki thi. Okay, so guys, what is happening hamare paas? सबसे पहले अगेन प्रीटी सिंपल, राइट, वायरस आया, वायरस हमारे पास अटैच हुआ, तो देयर इज एन अटैचमेंट. आफ्टर द अटैचमेंट द सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी, सम पीपल से इट्स एब्जॉर्प्शन, आई थिंक पेनिट्रेशन इज अ बेटर वर्ड, ठीक है. सो पेनिट्रेशन इज हैपनिंग, ये आप लोगों ने जो मैंने आपको एनिमेशन का बताया था उसमें से इट शुड बी प्रीटी क्लियर. ओके, सो वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये पेनिट्रेशन के प्रोसेस में ना वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड अ लाइजो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, लाइजोजाइम, आई थिंक सही है मेरी प्रोनाउंसिएशन, मैं ऐसे ही
कहता हूँ, अच्छा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, यू गाइस कैन प्रीटी मच फिगर इट आउट। इट्स अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स जो कि हमारे पास जो सेल वॉल होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ना एक चीज़ होती है विच योर बुक्स डिस्क्राइब एज बायोसिंथेसिस, ठीक है। जस्ट मीन्स कि नाउ द बैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ योर, सॉरी, द वायरस का डीएनए इज अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड नाउ इट इज यूजिंग द बैक्टीरियाज DNA machinery, sorry, bacteria's protein synthesis machinery to synthesize अपनी मर्जी के viral proteins, ठीक है। This is really important, I'll write it down, कि the virus will hijack the bacteria's protein synthesis machinery, ठीक है, and will produce what we call viral proteins, ठीक है, viral proteins, अपनी मर्जी के proteins, because हुआ क्या, understand करो ना, यहाँ पे आओ वापस, ठीक है। इस बात को हमने understand करना है, हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, did we have like, क्या चीज़ थी इसके अंदर, ये DNA था, इसने अपना DNA उठा के यहाँ पे फेंक दिया। Now we have all of this DNA, virus करता क्या है, ठीक है, वायरस तो नहीं है एक्चुअली, इट्स दीज हाईली वायरलेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि हमारे पास, व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये वायरल प्रोटीन्स को बना रहे हैं, बट दे आर यूजिंग बैक्टीरियाज प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, हाईजैक कर लिया उन्होंने सेल को, ठीक है। एंड अगेन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, जो बैक्टीरियोफेज है वो खुद अंदर नहीं आता, वो डाल के बाहर से ही निकल जाता है, ठीक है। और ये जो फिर हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, ये अंदर सारा मसला कर होते हैं, विच इज़ आल्सो व्हाई वी से कि यू नो वायरसेस आर ए सेलुलर, बिकॉज इनके जो द वे दे वर्क, इट डजंट रिजेंबल एनीथिंग एल्स, इट डजंट रिजेंबल एनी सेलुलर लाइफ, एनी लाइक एक्चुअल लाइफ दैट वी हैव, ठीक है। ओके, एनीवेज, अटैचमेंट होगी, पेनिट्रेशन होगी, बायोसिंथेसिस हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद वाले पॉइंट्स आर वेरी सिंपल, नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। व्हाट वी विल हैव, इसके हमारे पास अब होगी सेल्फ असेंबली। एसेंशियली वी हैव ऑल ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड नाउ दीज प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन टू, सो प्रोटीन्स हम लोगों ने वायरल प्रोटीन्स बनवा लिए, proteins, let me just write V so that you guys know, viral proteins. Now these viral proteins are going to be converted into, viral proteins into bacteriophages, ठीक है। अब हमारे पास bacteriophages assemble होना शुरू हो गया, ठीक है। Alright, now when these bacteriophages are made, हम लोगों ने next चीज़ क्या की है कि now we are like, okay, we are done with the cell, ठीक है, we are done with the bacteria, हमने bacteria को जितना इस्तेमाल करना था हमने कर लिया, अब हम bacteria की छुट्टी करवा देते हैं, and what does that mean? We are going to be doing lysis plus release. What does lysis plus release means? Lysis plus release का ये मतलब है कि हम लोगों ने जो सारे bacteriophage बनाए थे, now we are going to be releasing all of those. Okay guys, I know this video is getting long, but please bear it with me. अगर मैं जल्दी से आप लोगों को बना के दिखाऊँ, हमारे पास एक सेल आया है, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर, let's just make it like this, ठीक है, I'm not going into the exact detail, ठीक है, हमारे पास let's say इस तरह का हमारा वो आया है, what do we say, viral DNA. Now this viral DNA has gone inside, this viral DNA has hijacked, यहाँ पे let's say ये हम ribosomes बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है, जो ribosomes बने हैं, इसने इनको hijack कर लिया, इसने पूरे system को hijack कर लिया, and after the hijacking, now it's forcing them to make अपने viral proteins, ठीक है, या let's show them as this, okay, so ये हमारे viral proteins बनना शुरू हो गए, ठीक है, once these viral proteins are made, now these viral proteins are then going to be assembling into these bacteriophages, which I am showing as these rectangles, all right? And once this entire cell is filled, we decide ke okay, bahut ho gaya, isko yahan se todte hain, lysis karte hain, and now is sab ko hum bahar nikal dete hain, theek hai, so all of these bacteriophages are now going to go and infect other bacteria, theek hai, so if let's say ye kisi colony mein tha, let's say ki there was a colony of staphylococcus aureus, theek hai, एक को लगा था, उस एक को लगने की वजह से द एंटायर कॉलोनी कैन इवेंचुअली डाई। सो गाइस, वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइटिक साइकिल, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइसोजेनिक साइकिल। आई नो दिस वीडियो इज रियली लॉन्ग, लेकिन अब लाइसोजेनिक साइकिल काफी सिंपल है कंपैरेटिवली। ऑलराइट गाइस, सो लाइसोजेनिक साइकिल इज प्रीटी सिंपल, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल में हमारे पास वो वाली बातें ही होंगी कि देयर इज ए अटैचमेंट, देन देयर इज पेनिट्रेशन, ठीक है, बट
इसके बाद क्या होगा, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर थ्री. पॉइंट वन हमने कर लिया, पॉइंट वन से पॉइंट टू हुआ, एंड पॉइंट टू से वी आर एट पॉइंट थ्री. ओके गाइस, पॉइंट थ्री में ना समथिंग रियली डिफरेंट हैपेंस, एंड दिस डिफरेंट थिंग, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर लाइक दिस, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ओके गाइस, इसको ना प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो. ओके, ओ आई एम सो सॉरी. ओके, सो वी हैव दिस बैक्टीरियल सेल, वी हैड दिस थिंग कम ऑल द वे हेयर. ये क्या था हमारे पास? ये हमारे पास अपना बैक्टीरियोफेज था. बैक्टीरियोफेज ने जी अपना ये डीएनए मॉलिक्यूल निकाल दिया. ओके, सो गाइस व्हाट हैपेंड वाज कि वी हैड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया. लेट्स से कि ये हमारे पास बैक्टीरिया का इस तरह का जेनेटिक मटेरियल, जस्ट मेक इट लाइक दिस, इस तरह का पड़ा हुआ था. ठीक है, सो व्हाट द वायरल डीएनए डिड, इट केम एंड वो यहाँ पे अटैच हो गया. ठीक है, इट इंटीग्रेटेड. सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज एन इंटीग्रेशन व्हेन होस्ट सेल डीएनए विद होस्ट सेल जीनोम. ठीक है, इंटीग्रेशन विद होस्ट सेल जीनोम. ऑलराइट, ये हमारे पास हो गई. एंड गाइस व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये हमारे पास नंबर फोर, इट इज नॉट मोस्ट लाइकली डज नॉट क्रिएट प्रोटीन्स. वो प्रोटीन्स भी नहीं बनाता, आराम से जाके वहाँ पे बैठ के ना बैठ जाते हैं. इन सम केसेस थोड़े थोड़े नॉन वायरल प्रोटीन्स बना रहा होता है, इन द सेंस के दे आर वायरल इन ऑरिजिन, मतलब वो यहाँ से आ रहे होते हैं लेकिन वो कोई मसला नहीं कर रहे होते, दे डोंट हैव एनी वायरल प्रॉपर्टीज. ठीक है, दे डोंट हैव एनी वायरल एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है, ओके, सो हम लोगों ने बात कर ली. ऑलराइट गाइस, अब आराम से मेरी बात सुनो. अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये सेल रेप्लिकेट करेगा, व्हेन दिस एंटायर सेल नाउ विल रेप्लिकेट, इट इज़ गोइंग टू बी टेकिंग अ पोर्शन ऑफ दिस डीएनए एज दिस डीएनए एज वेल. ओके, इफ आई रियली क्विकली मेक इट फॉर यू गाइस, कि इसके दो डॉटर सेल्स हमारे पास आ रहे हैं, एक हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है. ठीक है, लेट्स से दिस वाज द ओरिजिनल बैक्टीरियल सेल्स जीनोम. अब इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा इधर आ गया. सो गाइस, इफ आई आस्क यू कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर विल वी हैव ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो आंसर क्या होगा? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यस. ठीक है, सो हमारे पास ट्रांसफर हो रहा होगा. लेकिन गाइस, कैन वी हैव इट इन द लाइटिक साइकिल? नोप, बिकॉज लाइटिक साइकिल इतना एक्सप्लोसिव होता है, इतना समझ लो कि इट्स जस्ट सो पावरफुल, इट्स जस्ट सो क्विक दैट देयर इज नो रेप्लिकेशन. बैक्टीरिया के पास टाइम ही नहीं मिलता, वो जल्दी से बेचारा मर जाता है. लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि इट कैन आराम से वो बैठा हुआ है. ठीक है, वो हमारे पास पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग चलता चल. लेकिन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोजेनिक साइकिल कैन गो इनटू अ लाइटिक साइकिल. लाइसोजेनिक साइकिल अपनी मर्जी से लाइटिक साइकिल में जा सकता है. किस चीज़ की बेसिस पे? पहली चीज़, इन्वायरमेंटल फैक्टर. लेट्स से कोई मैंने इन्वायरमेंटल स्टिमुलस पे इस तरह की ऐड की है कि इट कन्वर्ट्स इनटू अ लाइटिक साइकिल. लाइटिक साइकिल का क्या मतलब है? व्हाट डज लाइटिक साइकिल रियली मीन? इसको अगर बेसिक आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बिल्कुल बेसिक आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन्स विच लीड टू लाइसिस. ठीक है, वायरल प्रोटीन्स, और ये वायरल प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारे बैक्टीरियोफेजेस बनाते हैं, एंड इसके साथ साथ कुछ टॉक्सिन्स वगैरह भी बनाते हैं. ठीक है, ओके, विच लीड टू लाइसिस. ऑलराइट, सो गाइस, एनीथिंग दैट शिफ्ट्स लाइसोजेनिक साइकिल इनटू लाइटिक साइकिल इज वेरी बैड. फॉर एग्जांपल, लेट्स से एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जिसकी वजह से ये जो है ये एक्टिव हो गया, नाउ इज प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ माय वायरल प्रोटीन्स. देन ऑन द अदर हैंड, लेट्स से मेरे पास क्या हुआ है कि आई हैव सर्टन केमिकल्स. ठीक है, मैंने कोई केमिकल्स पर गलती से डाल दिया, जिसकी वजह से इट वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक और अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से द लाइटिक साइकिल वाज स्टार्टेड. और अल्टरनेटिवली, इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो. लेट्स से यहाँ पे मेरा कोई ना प्रोटीन कोई सॉरी प्रोटीन ही यहाँ पे कोई मेरे पास जीन बैठी है, एंड दिस जीन इज ट्रांसक्राइब्ड. व्हेन दिस जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इनटू प्रोटीन्स, फॉर सम रीज़न दिस बिकम्स एक्टिव. ठीक है, कि वो किसी वजह से वो एक्टिव हुआ है, एंड वी शिफ्ट इनटू अ लाइटिक साइकिल. ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल. इसके सवाल इतने मुश्किल नहीं आते, टॉपिक थोड़ा सा आई नो दिमाग हिलाने वाला है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आई हैवंट सीन देम बी दैट डिफिकल्ट इन द ऑफिशियली रिलीज्ड पास्ट पेपर्स. ऑलराइट गाइस, अब एक मैंने छोटी सी बात करनी है, एंड दैट्स रियली सिंपल, एंड देन वी आर डन विद द वीडियो.
Alright guys, so talking about the uses of bacteriophages, genetic technology आप सारों ने पढ़ी होगी because I'm assuming that all of you are A2 or FSC second year students, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि we use it as a vector. Vector क्या होता है? A vector is anything that is used to deliver a gene, ठीक है. Alright, it's used as a vector in genetic engineering techniques. In genetic, I'll just write genetic engineering techniques, GET, alright? Because now we don't have time, this video is really long already, okay. अब हमारे पास second चीज़ क्या है कि this is very important. अच्छा, before that, I just wanted to ask something, guys. जब मैं vector वाली transmission कर रहा हूँ कि I'm adding it basically, कि मैं कर क्या जाता हूँ कि मैं let's say एक bacteriophage बनाता हूँ, I make a bacteriophage with the specific DNA that I want to be delivered, ठीक है? Specific DNA that I want to be delivered. Guys, I have a question. Would I want the bacteriophage ka DNA to cause a lysogenic cycle or a lytic cycle? The answer is lysogenic cycle. I don't want a lytic cycle. Lytic cycle mere liye bahut masle karega, theek hai? I want a lysogenic cycle jo aram se tameez se jo mera selected bacteria hai uske andar ek wo dal de, kya kehte hain, gene dal de, theek hai? And one more thing that I want to clarify, and we'll talk about it a lot. बहुत ज़्यादा जीन टेक्नोलॉजी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ. वो ये है कि जो हम लोग वैक्टर इस्तेमाल करते हैं ना, जो हम कोशिश ये करते हैं कि वी इंक्लूड नो वायरल प्रोटीन्स. बेसिकली जो वो बैक्टीरियोफेज डिलीवर कर रहा है वो इट इज़ डिलीवरिंग नो वायरल प्रोटीन्स. तो लिटरली वी बेसिकली मेक इट स्टेराइल. हम उसको लाइटिक साइकिल में जाने ही नहीं देते, वो रहता ही लाइसोजेनिक साइकिल में, क्योंकि जो हम लोगों ने उसको डीएनए का पीस दिया है उसमें कोई वायरल प्रोटीन नहीं होता. कि लिटरली वी स्ट्रिप इट ऑफ इट्स आइडेंटिटी, कि जो उसके वायरल प्रोटीन होते हैं हम निकाल देते हैं, ठीक है. तो वो आप जितने भी बैक्टीरियाज को दे दें वो लाइटिक साइकिल में जा ही नहीं सकते, उनके पास वायरल प्रोटीन ही नहीं मौजूद होते, ठीक है. ओके, प्रिटी क्लियर, राइट? ओके गाइस, अब आप लोगों को सबको इस टाइम पर प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि वॉट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज एंड हाउ इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो गाइस, हमारे पास ना एक एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन बनना शुरू हो रही हैं, ठीक है. एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन, बिकॉज एज यू गाइस कैन सी नैनो मेडिसिन, ठीक है. हमारे पास ना यूजिंग बैक्टीरियोफेजेस एज एंटीबायोटिक्स आर वेरी हेल्पफुल. वाई? दो तीन रीजन है. नंबर वन, इट्स टारगेटेड थेरेपी, ठीक है. टारगेटेड थेरेपी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी हैव विद एंटीबायोटिक यूज इज कि हमारे पास ना एक तो रेजिस्टेंस का इशू होता है, एंड देन उसके साथ साथ व्हाट हैपेंस इट कि जो हमारा गट माइक्रोबायोम है ना, कि जो हमारे पेट में नेचुरली प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं, दे आर किल्ड, ठीक है. सो इफ समवन लेट्स से कोई टीबी की दवाई ले रहा है, ठीक है, सो तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने की दवाई ले रहा है, उन लोगों को गट माइक्रोबायोम के बहुत मसले हो जाते हैं, ठीक है. लाइक आई हैव लिटरली सीन केसेस इन विच पीपल हैव हैड टू हैड पार्ट्स ऑफ देयर स्मॉल इंटेस्टाइंस कट ऑफ बिकॉज उनके पास गट माइक्रोबायोम इतना रिड्यूस हो चुका था कि इट वॉज प्रीटी मच नॉट फंक्शनिंग एट ऑल. ओके, अब टारगेटेड थेरेपी का क्या फ़ायदा है कि लेट्स से बॉडी में हमारे पास वी हैव 200,000 हेल्पफुल बैक्टीरिया, ठीक है. ये हमारे सारे हेल्पफुल बैक्टीरिया, वी डोंट वांट देम टू बी किल्ड. कन्वेंशनल एंटीबायोटिक्स आती हैं उन सबको भी मार देती हैं, ठीक है. सबको नहीं मारती, लेकिन ऑब्वियसली बहुत मसला करती हैं. एंड देयर इज 10 हार्मफुल वंस, ठीक है. तो गाइस, एंटीबैक्टीरियल नैनो मेडिसिन यूजिंग बैक्टीरियोफेज, उसको हम बनाएंगे ही इस तरह से कि वो सिर्फ बैक्टीरियोफेज को टारगेट करती है. गाइस, द सेकंड प्रॉब्लम दैट वी हैव is the second, sorry, the second solution that antibacterial nanomedicine is providing us. इसमें क्या है, अगेन हम bacteriophages को इस्तेमाल करें to kill the bacteria that we want to. Okay, second हमारे पास फ़ायदा क्या है, it is helping us overcome bacterial resistance, ठीक है. Overcome resistance, ठीक है, because resistance वाला जो सारा मसला है that is with our conventional antibiotics. So this is another approach of killing bacteria. All right guys, अच्छा हम लोगों ने ये सारी बात कर ली. These two are the main uses, and I guess that is all for this video. This was a really long video, but it was really, really important. And I know a few of you might be a bit confused कि ये lysogenic cycle क्या है, ये vector वाली क्या सारी बात होती है. And inshallah, I'll be discussing in my live classes, in which I will be covering genetic technology, which I always do in a lot of detail because it's really important, as it is an amalgamation of all the different of some really high yield topics like protein synthesis. ठीक है, हमारे पास selection, evolution आ जाता है, genetics आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं, ठीक है. सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड, एंड सी यू ऑल इन द फ्यूचर वीडियोज. अल्लाह हाफिज़.